मेरी विचारधारा मेरे परिवार और मेरी लाइफ से ऊपर है। मेरे जीवन पर कॉमन मैन का मिडिल क्लास का गरीब का देखा। ओनली 20 साल तक आप डबल इंजन की सरकार रहे, दोनों की रहे, दोनों रहे तब भी रहे, फिर रुपौली के समाज के लोग इतने अपेक्षित थे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जहां खड़ी रहेगी पप्पू यादव वहां खड़े, सीधा, मेरा और किसी से लेना देना नहीं। कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार। रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मेरे जीवन पर आम आदमी और गरीब का अधिकार है और मैं वही करता हूं जो समाज को अच्छा लगता है। रुपौली अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का इलाका है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया है, ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों है? कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी वहां पप्पू यादव खड़ा रहेगा। मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया है। मेरी विचारधारा मेरे परिवार और मेरी लाइफ से ऊपर है। मेरे जीवन पर कॉमन मैन का मिडिल क्लास का गरीब का अधिकार, और मैं वही करता हूं जो सोसाइटी को अच्छा लगता है। रुपौली एक निहायत है गरीब, अत्यंत पिछड़ा जाति, पिछड़ा और माइनोरिटीज का इलाका है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया लगातार 5 बार, और 20 सालों से आपकी सरकार है। इतना पिछड़ा 20 सालों में क्यों है? आप मोहनपुर को आप प्रखंड नहीं बना पाए, आप रुपौली की कनेक्टिविटी को नहीं जोड़ पाए, रुपौली से जो हमने वीरपुर रेलवे लाइन को किया था उसको नहीं जोड़ पाए, नौगछिया से जो एनएच का था उसको आप नहीं ले पाए। तो आपने रुपौली 20 साल तक आप डबल इंजन की सरकार रहे, दोनों की रहे, दोनों रहे तब भी रहे, फिर रुपौली के समाज के लोग इतने अपेक्षित थे। इसीलिए मैं जितना मानता हूं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हर परिस्थिति में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लिए मेरी विचारधारा इम्पोर्टेंट है। बीमा जी आई थी, मेरी बेटी की तरह आई थी, और ना मुझे किसी ने कहा। मैंने कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जहां खड़ी रहेगी पप्पू यादव वहां खड़ा, सीधा, मेरा और किसी से लेना देना नहीं। कौन गठबंधन है, कौन क्या है, मैं कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात करता हूं। यही बात मैंने सदन में भी कही, और इसीलिए मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया।